आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 31 दिसंबर की ईश्वर वरदान की रिकॉर्डिंग। हमारा साल 2022 खत्म होने आया है ऑलमोस्ट, और हमारे साल भर के वरदानों की रिकॉर्डिंग ये जो दिखाया जाएगा प्लेलिस्ट उसके अंदर है ऑलरेडी। आपको ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और आपको देख लेना है कि कौन से वरदान की आपको जरूरत है, मतलब कहाँ कौन सी चीज आपके अंदर लैक कर रही है। साल भर में परमात्मा के दिए हुए वरदानों में कितना ज्ञान होगा आप इमेजिन करिए। ये सब कुछ हमें ब्रह्म कुमारी में सिखाया जाता है। आज का वरदान हमें सिखाएगा कि नम्रता जो है वो एक लेवल पे है, अगर हमारे अंदर उसके अनुसार हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, हमारी नम्रता जितनी 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 बढ़ती जाएगी उतनी हमारे को रिस्पेक्ट भी औरों से मिलती जाएगी। तो आज का सारा राज रिस्पेक्ट का और खुशी का परमात्मा हमसे शेयर करते हैं। तो क्यों ना हम 2023 में जब प्रवेश करें तो हम इतनी नम्रता से प्रवेश करें कि हमें ऑटोमेटिकली जो रिस्पेक्ट जो प्यार हम ढूंढ रहे हैं वो हमें परमात्मा से मिले, हमें किसी और से लेने की जरूरत ना पड़े। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं, महानता के साथ निर्मानता, महानता के साथ निर्मानता, निर्मानता मीन्स ह्यूमिलिटी को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भवा, सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी निर्मानता है। अगर आपके अंदर महानता है तो आपके अंदर बहुत नम्रता होगी, लेकिन अगर आपको अपने बारे में, अपने धन दौलत के बारे में, अपने पोस्ट पोजीशन के बारे में, रंग रूप के बारे में, अपनी प्राप्तियों के बारे में, आपस में जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनकी महानता को अगर आपको दर्शाना पड़ता है किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए, या ये सारी चीजें जो अभी बताई गई हैं, तो इसका मतलब नम्रता की कमी है और हम मांगने वाले बन गए हैं। अगर हमें दर्शाना पड़ता है कि मेरे फलाने ने ऐसा किया है, मेरे पति ने ये अचीव किया है, या मेरे बच्चों ने ये अचीव किया है, इतने मार्क्स लेके आए, ये जॉब में है, वो करते हैं, अगर आपको ये दर्शाना पड़ता है किसी को, इसका मतलब आपके औरों के अंदर ईर्ष्या पैदा कर रहे हैं, ना कि रिस्पेक्ट। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि महानता की निशानी निर्मानता है, मतलब कि नम्रता। जितना महान उतना निर्माण, जो व्यक्ति जितना महान होता है उसकी महानता की पहचानी यह है कि उसके अंदर निर्मानता होती है, ह्यूमिलिटी होती है, क्योंकि सदा भरपूर है। क्या चीज से भरपूर है? उसके अंदर चाहिए 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 नहीं होता है उस व्यक्ति के अंदर, वो ऑटोमेटिकली जो है जितना है उससे इतने संतुष्ट होती है वो आत्मा कि उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती और उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ा राज है, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली उनको सही समय पर कहीं ना कहीं से उनको मिल जाता है जितना चाहिए होता है, और उनकी इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं परमात्मा की सेवा करने की, परमात्मा के साथ मिलकर के सेवाएं करने की और विश्व की आत्माओं का भला करने की, कि उनकी इच्छाएं इतनी ऊंची होती हैं कि ऑटोमेटिकली सारी कायनात कहें, उसमें 5 तत्व भी आ जाते हैं, सारे विश्व की आत्माएं भी आ जाती हैं, सारे की सारे विश्व की आत्माएं, सारे 5 तत्व उनके सहयोग में लग जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो प्योरिटी होनी चाहिए, उनको मांगने की जरूरत नहीं। अगर वो मांगते हैं उनके अंदर प्योरिटी नहीं है। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, आम का पेड़ जब पूरा का पूरा फल लग जाता है तो झुक जाता है वो, मतलब कि उसके अंदर क्या है, फल है, उसने ऐसे कर्म किए हुए हैं। अभी मनुष्य से देखें, उसने ऐसे मनुष्य ने कर्म किए हैं कि उसके कर्म का फल उसको इतना मिलता है, इतना मीठा मिलता है कि वो हमेशा झुका रहता है, उसको वो भरपूर रहता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे भगवान से भी मांगना नहीं पड़ता है कि भगवान मेरे लिए कर दो, भगवान मेरे लिए कर दो, मैं ऐसे कर दूंगा इसलिए आप मेरे लिए कर दो, नहीं। फिर परमात्मा कहते हैं जो निर्मानता, तो निर्मानता ही सेवा करती है, जो सच्ची सेवा है उसमें निर्मानता होगी, उसमें आपको डिमांड नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको पीछे नहीं लगना पड़ेगा, उसमें आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि मैंने ये कहा है तो ये किया जाना चाहिए, ये उसमें आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने इतना किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना ज्ञान दान किया, धन दान किया, जो भी दान किया, आपको कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर महानता की कमी है अगर आप ये कह रहे हैं। तो निर्मानता ही सेवा करती है, क्योंकि उस आत्मा को कुछ इच्छा नहीं होती, ना धन की, ना नाम मान शान की इच्छा होती है, ना कोई उसका उसको प्रेस करे उसकी इच्छा होती है, और ना ही उनको यह इच्छा होती है कि मुझे इसके रिटर्न में कुछ और सेवाएं मिले, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने इतना अच्छा बोला तो मुझे कुछ मिलना चाहिए और।
और आत्माएं उनके पीछे लगेंगी कि आप ये सेवा क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर आपके अंदर निर्मानता है तो ऑटोमेटिक लोग आपके पीछे आएंगे। परमात्मा कहते हैं तो निर्मानता ही सेवा करती है और जो निर्मान रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है, सब आत्माओं से उसको मान मिलता है, उसे मांगना नहीं पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में अभी भी रिस्पेक्ट मांग रहे हैं औरों से, तो आप सोच सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, ह्यूमिलिटी के, निर्मानता के या नम्रता के किस लेवल पर अगर आप हैं, अपने आप को भापे। और बेस्ट तरीका भापने का क्या है, ब्रह्म कुमारीज में आकर के आप जब कोर्स करते हैं 7 डेज में 1 घंटा हर दिन, उसके बाद में जब आप विद्या लेते हैं, डीपर नॉलेज लेते हैं, तो आपको समझ आता है मुरलियां सुन करके कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये ठीक करना है, मुझे ये ठीक करना है। उससे हमें अंदर नम्रता आती है। परमात्मा फिर कहते हैं जो अभिमान में रहता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, उसको कोई मान नहीं देता। हाँ देगा झूठा मान, क्या करने के लिए, काम करवाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। यस मिलता है, झूठा मान भी मिलता है, लेकिन आपको कैसे पता वो झूठा मान है कि सच्चा मान है। राइट, उसके लिए परखने की शक्ति आनी चाहिए। जब आपके अंदर इच्छाएं कम हो जाती हैं, जब आपको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है कि मुझे कोई मान दे, मुझे कोई धन दौलत दे, मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, तो उस समय आपको पता चल सकता है, उसी समय आपको पता चल सकता है कि मुझे ये सच्ची रिस्पेक्ट मिली है कि झूठी रिस्पेक्ट मिली है। इमेजिन करें आपके अंदर हमेशा रिस्पेक्ट की तलब हो, रिस्पेक्ट की पाने की आपको बहुत इच्छा हो, कोई आपको मान दे, शान दे, तो आपको तो कोई भी कितना भी कुछ अच्छा बोल दे, आपको मीठा बोल दे, प्यारा बोल दे, आप बड़े खुश हो जाएंगे। और उनको पता है आपसे काम करवाने का यही तरीका है, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको सच्ची रिस्पेक्ट मिली है। नहीं, जब किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है तब उसको पता होता है कि ये सही दिशा से आ रहा है, सही सोर्स से आ रहा है कि नहीं। फिर परमात्मा कहते हैं जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, क्योंकि वो औरों को रिस्पेक्ट देंगे, वो औरों को नाम मान शान देंगे इंस्टेड ऑफ खुद के लिए लेने के लिए। सभी उनके समीप आना चाहेंगे। क्या लोग आपके समीप आना चाहते हैं या आपसे दूर भागते हैं, ये आप चेक करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप हमेशा खोखला महसूस करेंगे अपने आपको। और विद्या के लिए और समझ के लिए आप अपने ही कुछ ही स्टेप्स दूर है, कुछ ही कदम दूर है, आप जाएं वहां पर और ब्रह्म कुमारी सेंटर पर जाकर के इस विद्या को और गहराई से लें। इसके साथ ओम शांति।